तो ठीक है साहब, अब देखिए इस शंकर लोहार का तांडव। बस आपको गंगाधर राव को उसके राजा के पद से हटाना है। हमारी आपसे विनती है देवा, महाराज ठीक ठाक हो। झांसी तो कल ही पहुंचेंगे। Who's there? Nelson Sahab. Show yourself. Proceed. Nelson Sahab, हम हैं। भगवान के लिए हम पर गोली तो ना चलाइए। इस वक्त ये यहाँ क्या कर रही है? कुछ कहा आपने? No, no, Your Excellency. It's just that आपको अचानक देखकर। Nelson Sahab, हम दोनों एक ही पद के पथिक हैं। हम दोनों की भेंट होना तो अनिवार्य है। You are superb, Your Excellency. महान है आप। एक दूसरे की प्रशंसा करने में हम हमारा बहुमूल्य समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? ये बताइए नेल्सन साहब, शंकर लोहार को आपने मनाया या नहीं? सिंह मनाना जानता है योर एक्सलेंसी, वो ऐसा ठहरना चाहेगा कि पूरी झांसी रिवोल्ट करेगी। उसके बाद तो अंगदार को तख्त छोड़ना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात नेल्सन साहब, यहाँ झांसी में आपने लगाई हुई आग में गंगाधर राव का जीवन दुभर हो जाएगा, और वहां पिठुर में हमारी लक्ष्मी बाई अपने आने वाले उत्तराधिकारी के साथ साथ भगवान को प्यारी हो जाएगी। रात हो चुकी है। झांसी कमिश्नरी में नेल्सन साहब को संदेश पहुंचाना है कि बिठुर के पेशवा नाना साहब ढोंडोपन हो गए हैं और युद्ध में कैप्टन कैम्बल मारे गए हैं। कमिश्नर मैनसन की टांग ही नहीं कटी बल्कि ब्रिटिश सरकार की नाक भी कट चुकी है। जाने इस संदेश को दे देने के बाद मेरा हाल क्या होगा? नेल्सन साहब, कल का आने वाला सूरज गंगाधर राव के जीवन में अंधेरा और हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगा। यहाँ झांसी में गंगाधर राव के हाथ से सिंहासन छीना जाएगा और वहां बिठूर में हमारी महारानी अपने उत्तराधिकारी के साथ साथ भगवान को प्यारी हो जाएगी। गंगाधर राव और झांसी का विनाश होकर रहेगा। वापस कब आओगे? केवल हम नहीं, पूरी झांसी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्षमा कीजिएगा महाराज। रघुनाथ, महाराज विद्रोही महल के बाहर एकत्रित होकर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। क्या? जी हां महाराज,
महल के बाहर हवन कुंड। और इसे पहनकर झांसी नरेश के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करना चाहते हो? बहुत शौक है ना तुम्हें जनेऊ पहनने का? हम तुम्हें पहनाएंगे, सात्विक, पवित्र, शुद्ध, पूर्णतः यज्ञों भरे। रघुनाथ महाराज, चलो पहनना चाहता है ना तू? ये पहन जवाब पहन। संसार में इतना शुद्ध यज्ञोपवित जने हुए ब्राह्मण ने भी नहीं पहना होगा, परंतु ये जनेऊ उस समय भी तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। और ये भी याद दिलाता रहेगा कि अपने नरेश के विरुद्ध जाने का परिणाम क्या होता है, और वो उन सब के लिए भी चेतावनी है जो अपने नरेश के विरुद्ध जाने का दुस्साहस करता है। जनेऊ पहनेंगे। और फिर क्या था? सचमुच लक्ष्मीबाई की झांसी सुलभ हुई और नेल्सन अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हो चुका था। पूरी झांसी में धार्मिक उन्माद फैल गया। कौन किसको मार रहा था कोई नहीं जानता, लेकिन खामियाजा जनता ऐसे दहशतनाक माहौल में रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही पहुंची, उसे अपनी झांसी जलती हुई नजर आई।
झांसी हमारी ताजा बाकी नीचे उतारो। झांसी में क्या हो रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। इन ब्लडी शूद्रों को जितने भी आर्म्स एंड एम्युनिशंस चाहिए देते जाओ, ये आग बुझने नहीं चाहिए। डिवाइड एंड रूल, फैंटास्टिक पॉलिसी। ओह, लवली साइट, झांसी इज बर्निंग। हमारा किंग ऑफ झांसी बेचारा, जब उसको मालूम होगा कि लक्ष्मीबाई और उसका वारस दोनों ही ऊपर पहुंच गया, उस वक्त क्या हालत होगा उसका। मिस्टर नेल्सन, आप हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? एक्सलेंसी, मैं तो समझा था कि आप बिठूर में। अच्छा, तो आपको बिठूर का समाचार अभी तक मिला ही नहीं? कोई बात नहीं, हम स्वयं आपको बिठूर का समाचार दे देते हैं। नाना साहब का वहां राज्य अभिषेक हो चुका है और आपकी सेना जो हमसे युद्ध करने आई थी कायरों की तरह भाग गई। साहब, हमें आभास हो रहा है कि आग लगी नहीं, लगाई गई है। और यदि हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, तो झांसी कमिश्नरी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। लक्ष्मीबाई वापस आ गई है। अच्छा होगा अगर आप ये झंडा स्वयं हटा लें, ज्यादा दिन तक यहाँ लहराएगा नहीं। याद रखिएगा ये। आपकी सेना जो हमसे युद्ध करने आई थी कायरों की तरह भाग गई। यदि हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे आपका हाथ है, तो झांसी कमिश्नरी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। अच्छा होगा अगर आप ये झंडा स्वयं हटा लें, ज्यादा दिन तक यहाँ लहराएगा नहीं। Oh, Lord.
तुम किस बटालियन से? सुलह की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। रघुनाथ जी का प्रस्ताव उचित था। एक एक विद्रोही को फांसी के फंदे पर लटका कर हमारी झांसी को ये क्या हो गया महाराज? ये किसने किया? Who did this to you, brother? Queen of Jhansi. Rani Lakshmi Bai. Lakshmi Bai. बस उसके पश्चात विद्रोहियों ने महल में मारकाट आरंभ कर दी महारानी साहिब। महारानी साहिबा, यदि शीघ्र ही इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो ये नेल्सन फोर्ट विलियम में अनर्गल आरोप लगाकर महाराज से उनके सारे अधिकार उनके नहीं। लक्ष्मीबाई के जीवित रहते वो केवल इसका सपना ही देख सकता है। तुम्हारी ये हालत लक्ष्मी बाई ने बनाया है? I will kill her, brother. Now relax. Keep your head, Nelson. उसे underestimate करके. I lost my leg. तुम जान गवा दोगे. We need a foolproof plan. It's going to take all our energy, all our cunning. And do you have a plan, brother? Oh, yes. But you want me to execute it. Because now I'm... Just tell me, brother. What happened to you? This time she's gone too far. But our personal hogai. Up to Vodahegi? Ya to all Britishers? Now calm down. No, brother! Up to Lakshmibai ko Bindardi se monarchy baad hi. Calm down. I appreciate that, but we cannot afford to fail this time. So no, I have plan ye hai. This is it. I promise. This sunset ki sant, Lakshmibai ki zindagi ka bhi sunset karunga. उसे ऐसा तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि वो बोलेगी मुझे मार दो, प्लीज मार दो मुझे, तो मैं सनसेट का वेट करूंगा। She will die today. नेल्सन, अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता।